इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे जीवन के समस्त चिंताओं से मुक्त कर देने की क्षमता जिसके भीतर हो, वास्तव में वही तुम्हारा अपना है। इस संसार की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठाकर जो उस विराट पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की ओर तुम्हें लगा दे, वास्तव में वही तुम्हारा अपना है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारा जिंदाबाद करता चलता है, जय जयकार करते चलता है, हां में हां मिलाता है, लेकिन जब तुम उसके सामने जाते हो तो तुम्हारा मन ईश्वर से दूर हटता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें गालियां देता है, जूते भी उठा लेता है, अपमान भी कर देता है, पर जब उसके सानिध्य में आते हो तो तुम्हें बंसी वाले की याद आती है। मैं तुमसे स्पष्ट कहूंगा, अरे वो व्यक्ति जिसके पास जाने से तुम्हें लड्डू पेड़े धन दौलत कुछ भी दे लेकिन कृष्ण का विस्मरण हो जाए तो बिल्कुल मत जाना, बल्कि चौराहे पर कोई चार जूता मारे और कृष्ण की याद दिलाए तो उसको प्रणाम कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारा अपना होगा। ये लोग जो कृष्ण से दूर कर रहे हैं, जिन्हें स्वीट पॉइजन कहते हो तुम, कॉलेजों में बच्चों से पूछो कितने फ्रेंड हैं, बोलो वो जो है ना अर्नव, हाँ वो स्वीट पॉइजन है, उससे सावधान रहना। व्हाट डू यू मीन बाय स्वीट पॉइजन? पॉइजन है तुम जानते हो, बड़ा खतरनाक आदमी है पर बोलता मीठा है, अपीयरेंस बड़ा लविंग है, पूतना की तरह सत्संवर की आई है दूध पिलाने कृष्ण को, पर कालकूट 20 लगा के आई। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि वो पूतना बड़ी अच्छी थी जिसने खुलेआम विष लगा दिया था अपने अस्तनों पर। हां हां ऊपर ही है, भीतर दूध था ऊपर विष था। पूतना हमसे बहुत अच्छी है, हमारे तो ऊपर मलाई है और भीतर विष भरा हुआ है, ऐसे लोगों से कैसे सावधान। ये संसार ऐसा ही है, ऊपर मीठी मीठी बातें, सब तुम्हें सपने में सुला रहे हैं, जो आ रहा है सपना बेच के जा रहा है, सक्सेसफुल होने के 101 तरीके। क्या करोगे सक्सेसफुल होके? जाके देखो बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ को, बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़े बड़े धनपतियों को, जिनको तुम समाज में अपना आइडियल मानते हो। हालांकि यह भी दुर्भाग्य का बात है कि अभी तक तुमको अपना आदर्श चुनने नहीं आया कि तुम आदर्श किसे बनाओगे। ये कामना वासना और लोभ में डूबा हुआ संसार आइडियल भी ऐसे ऐसे बनाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाए। हर व्यक्ति जानता है यह व्यक्ति झूठा है, कपटी है, भ्रष्टाचारी है, फिर भी तलवे चाटते हो। कारण क्या है? तुम महान हो, इंसान इंसान में फर्क नहीं समझते। सियाराम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये भावना है, ये मोटिव है ना? वो चाहे जैसा हो, अपना क्या है, मुझे क्या लाभ है उससे? और लाभ को भी तुमने काउंट कर लिया केवल डॉलर्स पाउंड्स और रुपए में। इस दुनिया में लाभ का अर्थ ही होता है, जैसे ही लाभ कहे तो सीधा नोट आ जाते हैं आंखों के सामने।